share and subscribe Gate Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe Gate Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe Gate Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe Gate Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe Gate Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe. Yes, my dear friend, please tell me, audio and video both are clear to all of you? Yes, Vikram, good evening, beta. Good evening, dear. So, beta ji, please tell me fast, audio and video both are clear to all of you? Yes, Balak, tell me fast, audio and video both are clear? I think, beta ji, dono cheeze clear hain. So, ab hum start karte hain. एनालिसिस ऑफ स्टेप डाउन चॉपर. कल हमने बात की थी बेटा बहुत सारे पॉइंट से लेके, जिनमें पॉइंट थे व्हाट इज द नीड टू इंट्रोड्यूस बेटा इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन द डीसी टू डीसी कन्वर्टर. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा, तो हियर वी रिक्वायर सम डीसी वोल्टेज. ये मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया था कि आपका टाइम उतना स्पेंड ना हो. एंड हियर बेटा जी, वी वॉन्ट टू यूज सम चॉपर स्विच, और इसको बोल देते हैं VCS, चॉपर वोल्टेज. ये हो गया. अच्छा, यहां पे आपको आइडिया हो तो वी कैन यूज वन डायोड टू फ्री बिल द इंडक्टर करंट एंड समवेयर हियर इंडक्टर, दिस इज द कैपेसिटर. तो इतनी बात हम लोग कर चुके थे बेटा, अगर आपको याद है तो. ठीक, इतना काम हम लोग कर चुके थे. अब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको बेटा प्रीवियस सेशन जरूर फॉलो करना है. ओके विक्रम, आप आई थिंक बेटा लाइव शायद लास्ट सेशन में नहीं रहे होंगे. सो आई वॉन्ट टू टेल यू हियर, और यहां पे लिख लेते हैं इंडक्टर करंट ILT, दिस इज बेटा डायोड करंट ID, हियर वी कैन मेंशन सम वोल्टेज VD, एंड दिस इज द चॉपर करंट ICH, समवेयर हियर बेटा वी कैन राइट IS एंड सो ऑन. सो दिस इज द चॉपर इक्विवेलेंट सर्किट विद फिल्टर. तो आई थिंक बेटा आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे. अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एंड इट इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड, एक बार सभी लोग बेटा शेयर और लाइक कर दें, है ना. अब हम बात करने जा रहे हैं एनालिसिस. एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, जो पहले एजम्पशन ले चुके हैं, इंडक्टर करंट इज कंटीन्यूअस एंड ऑल द डिवाइसेस आर आइडियल. ओके, सो दीज आर द अवर पॉइंट्स. नाउ बेटा केस वन उठाते हैं, प्लीज बी सीरियस एट एवरी इंस्टेंट. एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, लेट IL इज कंटीन्यूअस. लेट बेटा IL इज कंटीन्यूअस इज अवर एजम्पशन. लेट IL इज कंटीन्यूअस. शुरू करते हैं बेटा एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर इन डिफरेंट इंटरवल. क्या समझाया था, दो इंटरवल में होगी. तो शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर. एनालिसिस ऑफ बेटा कन्वर्टर. एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर. ओके, चलिए स्टडी स्टेट एनालिसिस लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो स्टडी स्टेट लिख देते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू कंसीडर ट्रांजिएंट. सो स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर शुरू करें बेटा. स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर. यस, एक बार सभी लोग बोलिए बेटा, स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ. यार शेयर वेयर करो. ठीक है, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले बेटा हम लोग एक करंट ड्रॉ कर लेते हैं. वी वांट टू एज्यूम बेटा समथिंग लाइक दिस करंट. ओके, अगले पॉइंट पे जो मैंने आपको समझाया था वो भी मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं. So this is the current response. Please mind it. This is the response of current. Now we are not going to take beta exponential response. We want to consider, my dear friend, linear response. Okay? So it is a linear response. Most important point.
why we are considering linear response, we will discuss. Just give me few seconds, beta. We will discuss. Okay. So, ये हमने करंट का रिस्पॉन्स मान लिया था एंड हियर बेटा वी वॉन्ट टू से द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज आई एल मिन एंड दिस इज बेटा आई एल मैक्स. ओके, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडक्टर करंट. नाउ इन दिस सिचुएशन माय डियर फ्रेंड वी वॉन्ट टू से इंडक्टर करंट इज फाइनली लीनियर वन. तो इसको मान लिया आई एल एवरेज. कितनी बातें हम लोग कर चुके थे इन दिस रेंज माय डियर फ्रेंड. चॉपर इज ऑन, अदरवाइज डायोड इज ऑन एंड आफ्टर दैट सेम थिंग विल रिपीट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. ओके, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग बेटा चॉपर ऑन एंड समवेयर हियर इज डायोड. ओके, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर. एंड अगेन चॉपर ऑन. अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट लिखते हैं, लेट आई एल इज कॉन्टिन्यूस के साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉपर इज मोर देन 500 हर्ट्ज. तो एक पॉइंट और लिख देते, चॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉपर more than 500 hertz and due to this reason beta we are saying that current is linear. agar frequency less than 500 hertz hoti hai in general to hum linear consider nahi karte hain. okay, in general hum log linear consider nahi karte hain. i think it is clear. chale balak badhaye baat ko aage. to observation kare, pehla case hum log lene ja rahe hain, bahut dhyan se sunega. first case beta we want to consider. agar hum pehla case lete hain to yahan likh dete hain beta case 1 in the range of 0 to alpha t, in the range of 0 to alpha t. try to understand beta, what is the inductor initial current is IL min. to yahan pe hum likh dete hain IL min. okay, to IL is equal to beta IL min at what time, at t is equal to 0, in this range. agla point, in this range beta chopper is on, aur agar chopper on hai to confirm diode kya hoga beta, off. analysis is really very important, so be serious at every instant. Now, अब यहां पे क्या होगा, सो देयरफॉर डायोड इज ऑफ. देयरफॉर बेटा डायोड इज ऑफ. होपफुली दिस थिंग इज क्लियर. यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं बेटा टू एवरीवन. एंड आईएल मिनिमम इज दिस वन. अच्छा बेटा, अगर इस कन्वर्टर को उठाएं और एनालिसिस हम स्टार्ट करना शुरू करें तो कहानी को समझिएगा क्या क्या ट्विस्ट आएंगे. सो इन दिस सर्किट सिचुएशन बेटा वी कैन ट्राइक सर, और इसको हटा देते हैं हम लोग. नाउ बेटा चॉपर इज ऑन. ओके, चॉपर इज ऑन एंड डायोड इज ऑफ. सो डायोड हो गया ऑफ बेटा. चॉपर इज ऑन एंड डायोड इज ऑफ. दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस केस वन. इसको यहां ले आते हैं फॉर दिस केस बेटा वन. ठीक है, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट. क्लियर है बेटा इतनी बात. विक्रम यार बेटा, आई थिंक हम लोग फोन पे बेटर डिस्कस कर सकते हैं, तो एक बार मुझे आप कॉल करिएगा मेरे नंबर पे. ओके, 98 अगर नंबर है मेरा तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ये मैं लिख रहा हूं. ओके, सो दैट वी कैन डिस्कस रिगार्डिंग यू. ओके, ये है कहानी बेटा. सो आई एल इक्वल टू 0 मिनिमम एंड डायोड इज ऑफ, चॉपर इज ऑन. चलिए ठीक है, इतनी कहानी आई थिंक इज क्लियर टू एवरीवन. अब बेटा हम लोग इस स्टोरी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं. ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑलरेडी इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब हम इसका पास्ट देखें बेटा. तो इससे पहले डायोड ऑन रहा होगा, इससे पहले क्या ऑन रहा होगा बेटा, डायोड ऑन रहा होगा. ऑब्जर्वेशन करना बेटा, इससे पहले अगर डायोड ऑन रहा होगा, स्टेडी स्टेट में एक पहले साइकिल ले लो ना, तो इससे पहले बेटा डायोड ऑन रहा होगा. डायोड ऑन रहा होगा तो इंडक्टर क्या कर रहा होगा, डिस्चार्ज. इंडक्टर क्या कर रहा होगा बेटा, डिस्चार्ज. तो एक केस लेते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक केस लेते हैं हम लोग बेटा, और वो केस ले लेते हैं. ओके, बिफोर चॉपर ट्रिगरिंग डेफिनेटली डायोड विल बी कंडक्ट. तो अगर हम दूसरा सर्किट यहां पे लें तो देखो ऐसे ले सकते हैं. नाउ बेटा, इससे चॉपर से जस्ट पहले डायोड ऑन रहा होगा, बिकॉज करंट इज कॉन्टिन्यूअस. तो इस केस में बेटा चॉपर ऑफ एंड डायोड. ठीक है, एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बेटा वी वांट टू डिटरमाइन दिस यू नो वेरी वेल कैपेसिटर वोल्टेज एंड करंट. सो सी इन दिस सिचुएशन बेटा ऑलरेडी इंडक्टर इज चार्ज. तो इंडक्टर करेंट बेटा विल फ्लो इन दिस फैशन.
एंड कैपेसिटर विल चार्ज इन दिस वे. सी इन दिस वे. सो व्हेन डायोड विल कंडक्ट कैपेसिटर विल चार्ज. व्हेन डायोड विल कंडक्ट बेटा कैपेसिटर विल चार्ज. इतनी बात क्लियर है. बिकॉज इंडक्टर विल वर्क एज ए सोर्स. बिकॉज बेटा इंडक्टर विल वर्क एज ए सोर्स. होपफुली दिस थिंग इज क्लियर. हटाएं बेटा इस पॉइंट को, आगे बढ़ते हैं. जरा ध्यान दीजिएगा, इस केस में क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते बेटा कि कैपेसिटर अगर चार्ज होने जा रहा है तो कुछ बात रही होगी. लेकिन दूसरा पॉइंट ये फंस जाता है कि सर एक्चुअली में कैपेसिटर चार्ज रहा होगा या हो रहा होगा या डिस्चार्ज हो रहा होगा, बिल्कुल सही से कैसे फाइनलाइज करें. तो वो तो नहीं कर सकते, अभी वो नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते बेटा? बिकॉज हमें आइडिया नहीं कि इससे जस्ट पहले क्या है. लेकिन एक बात कंफर्म है कि इसी पीरियड में कहीं ना कहीं कैपेसिटर चार्ज भी हो सकता है या डिस्चार्ज भी हो सकता है या चार्ज और डिस्चार्ज कुछ भी हो सकता है. सो ड्यू टू दिस रीजन बेटा हम यहां पे थोड़ा सा लाइक फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं चीजों को. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, एक बात कंफर्म है कि कैपेसिटर चार्ज होगा. कैपेसिटर चार्ज होगा व्हेन बेटा, व्हेन दिस डायोड विल कंडक्ट. लेकिन डिस्चार्ज भी होगा कि नहीं होगा, यह बस एक मुद्दा फंस रहा है. ये बस एक मुद्दा फंस रहा है. ठीक है, इस मुद्दे को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बेटा कैपेसिटर करंट पे. बिकॉज कैपेसिटर करंट कैन इजीली टेल अस वेदर कैपेसिटर इज गोइंग टू बी चार्ज और नॉट. तो हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे. लेकिन यहां पे हम लिख देते हैं बेटा, नाउ इन दिस रीजन कैपेसिटर मे गेट चार्ज, और बेटा आइडिया नहीं है तो डिस्चार्ज भी लिख देते हैं, और बेटा पता नहीं है तो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों लिख देते हैं. इन द रेंज ऑफ 0 to α t, इन द रेंज ऑफ 0 to α t. हमने 0 से अल्फा टी कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग और चार्जिंग डिस्चार्जिंग को फाइनलाइज करने के लिए बेटा थोड़ा पहले चले गए और एक क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया कि हमें नहीं पता कि वेदर कैपेसिटर विल चार्ज और डिस्चार्ज और दोनों होगा और दोनों होगा. इतनी बात क्लियर है. एक बार सभी लोग वरना बेटा चॉपर फिर मुझे स्टॉप करना पड़ेगा. ओके, अगर इस तरीके का रिस्पॉन्स चलेगा सो इट्स रियली नॉट एप्रिशिएबल. चलो आगे बढ़े. तो चॉपर को बस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होल्ड करके हम सारी एनालिसिस अभी कर लेते हैं. चॉपर की सॉरी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग और चार्जिंग बाद में समझेंगे. यानी कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को होल्ड करके बाकी सारी कहानी हम समझ लेते हैं और कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग थोड़े टाइम के बाद समझेंगे. ठीक है, इतनी बात डन बेटा. इट इज क्लियर टू एवरीवन? इट इज क्लियर टू एवरीवन? चल आगे बढ़ते हैं. नाउ ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को. अगर हम इस सर्किट में बेटा केवीएल लगाए तो ऑब्जर्वेशन करना, चॉपर इज ऑन. चॉपर इज ऑन, तो देखो ऐसे केवीएल लगा सकते हैं. नाउ बेटा व्हाट विल बी द पीसीएच वोल्टेज? ऑब्वियसली जीरो. नाउ नो करंट हियर, तो व्हाट विल बी द केवीएल केसीएल इक्वेशन? ऑब्जर्वेशन करें तो हम लोग लिखने जा रहे हैं बेटा बाय केकेओ, केवीएल ओम्स लॉ बाय बेटा केकेओ. व्हाट वी कैन राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले करंट ही लिख, दिस इज इक्वल टू आईसीएच, चॉपर करंट इज इक्वल टू आईएलटी. नाउ सी बेटा सीरीज कनेक्शन टिल नाउ. After that, IL will divide in two part, IC and I not. तो अगली एक equation और लिख देते हैं बेटा. अगली equation और लिख देते हैं. ILT is equal to ICT plus I not. And what I told you बेटा, I not is pure DC. Okay? Because all ripple component will pass through the capacitor. अगला point बेटा, अगर हम यहाँ current जो हमने discuss की थी, इस current पे देखें बेटा, तो ये क्या चीज है? यहाँ से यहाँ तक, this is nothing but बेटा ripple del IL. अब हमें पता है बेटा रिपल सारे कैपेसिटर से पास होंगे, सो कैन बी राइट आईसीटी इज इक्वल टू डेल आईएल आल्सो. आईसीटी इक्वल टू बेटा डेल आईएल. इन अदर वर्ड्स बेटा आईएलटी इज नथिंग बट आईसीटी बेटा डेल आईएल रिपल प्लस आईएल एवरेज. बिकॉज एज आई टोल्ड यू बेटा अर्लियर, आईएल एवरेज इज आल्सो इक्वल टू आई नॉट एवरेज, और आई नॉट इज प्योर डीसी. बिकॉज बेटा आईएल एवरेज इज इक्वल टू I not average, ये हम लोग बात कर चुके थे, ये हम लोग बेटा बात कर चुके थे. समझो कहानी को, ये बात हम लोग कर चुके थे. एक बार यार शेयर और लाइक करो यार, फिर मैं मुद्दे पे आता हूं. इतनी बातें क्लियर है. इन द केस वन बेटा, when chopper is on, we assume that current is continuous, inductor current is continuous and frequency is greater than 500 hertz. I think these points are clear. अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा, तो हमने ये डिस्कस किया था कि इंडक्टर के सारे रिपल कैपेसिटर से पास होंगे और लोड में प्योर डीसी करंट जाएगी. तो अगर हम IL equal to ICT plus I not लिखें, तो ICT किसके इक्वल है बेटा? Del IL. I not किसके इक्वल है? IL average. So ILT is nothing but delta del IL plus IL average. Hopefully this thing is clear. Done. आगे बढ़ते हैं बेटा. करंट के रिगार्डिंग बातें हो गई. अगला पॉइंट हम ऐसे लिखते हैं, डायोड करंट ID 0 एम्पियर इन दिस सिचुएशन.
विल बी 0 एम्पीयर इन दिस सिचुएशन। ये सारी करंट आपके सामने आ गई। अब आते हैं बेटा वोल्टेज पे। VCH क्या हो जाएगा? चॉपर वोल्टेज इज 0 वोल्ट बिकॉज़ चॉपर इज ऑन। एंड व्हाट विल बी द डायोड वोल्टेज बेटा? VD इज नथिंग बट माइनस VS, एज आई टोल्ड यू KVL इन दिस लूप। सो सी माइनस VS माइनस VD, सो VD इक्वल टू माइनस VS इफ यू आर कंसीडरिंग डायोड वोल्टेज पोलैरिटी दिस वन। तो ऐसा कुछ आएगा, तो ऐसा कुछ आएगा। नाउ अगले पॉइंट पे समझिए। नाउ बेटा हियर इन दिस केस व्हाट विल हैपन, सप्लाई इज गोइंग टू बी एक्साइट द सिस्टम, सो इंडक्टर विल चार्ज। अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पे इंडक्टर वोल्टेज विल बी पॉजिटिव प्लस माइनस VL। नाउ सी द डायोड इज ऑफ एंड ऑब्वियसली बेटा V नॉट इक्वल टू VC बिकॉज लाइक एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगला पॉइंट हम लोग ऐसे लिखें, V नॉट इज इक्वल टू बेटा VC। डन। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ऑब्जर्वेशन करना, और चाहो तो आप टाइम डोमेन फंक्शन में लिख दो, V नॉट T इज इक्वल टू बेटा VCT, V नॉट T इक्वल टू VCT। अगला पॉइंट बेटा, कैन बी अप्लाई KVL इन आउटर लूप, कैन बी अप्लाई बेटा KVL इन आउटर लूप, ऐसे चेक करो। डन। KVL इन आउटर लूप क्या होगा बेटा, माइनस VS दिस वोल्टेज 0, तो माइनस VS प्लस VL प्लस VC और VC इक्वल टू V नॉट। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं अगली इक्वेशन बेटा, आओ ध्यान सुना, इनपुट वोल्टेज VS इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज VTT और वी कैन राइट बेटा VCT प्लस इंडक्टर वोल्टेज VLT प्लस बेटा इंडक्टर वोल्टेज VLT प्लस बेटा इंडक्टर वोल्टेज VLT इज द इंपॉर्टेंट KVL इक्वेशन, इज द इंपॉर्टेंट KVL इक्वेशन। ओके, नाउ कुछ और बातें की जाए बेटा यहीं पे। अगला पॉइंट करें तो इन द सेम रेंज व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ करंट बेटा, इंडक्टर करंट अभी डिस्कस किया है, तो इंडक्टर करंट रिस्पांस माय डियर फ्रेंड इज नथिंग बट लीनियरली राइज। तो ऑब्वियसली दिस स्लोप इज पॉजिटिव, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हियर इंडक्टर इज रिसीविंग एनर्जी, सो इन दिस सिचुएशन बेटा प्लस माइनस VL वी कैन राइट दिस इज करंट IL एंड L। नाउ बेटा वी नो दैट VL इक्वल टू LdIL बाय dt, सो नाउ दिस dIL बाय dt वी कैन राइट बेटा del IL बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज हायर, सो वी कैन राइट बेटा del IL बाय del t इज आल्सो इक्वल टू VL बाय L। नाउ माय डियर फ्रेंड दिस dIL बाय del t इज नथिंग बट द स्लोप, सो dIL बाय dt del t इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0, so if the inductor current slope is positive then definitely inductor will charge, so in this situation what will happen beta, supply power, see properly, supply power will flow or power will flow from source to beta inductor and load, source to beta inductor and load, L matlab inductor, load ko maine pura likh diya, inductor and load, clear hai beta abhi tak ke sare points, inductor and load, ओके आई थिंक इट इज क्लियर। ये केस क्लियर बेटा, इतनी सारी बातें। अब हम देखो BD बोल चुके हैं बेटा 0 इन दिस केस व्हेन चॉपर इज ऑन, ओके सॉरी दिस वन व्हेन चॉपर इज ऑन बेटा BD इक्वल टू BS, सारे वोल्टेजेस लिख लिए, सारी करंट लिख ली, तो ऑल दी KVL इक्वेशंस आर दिस वन। हमने पावर बता दिया, स्लोप बता दिया, और किसी की नीड नहीं है, और किसी की नीड नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा, केस टू। केस टू क्या होगा बालक, जरा ध्यान देना, केस टू इज दिस वन, ओके केस टू इज दिस वन। इन दिस केस बेटा जी वी आर कंसीडरिंग रेंज अल्फा टी टू टी, व्हाट वी वांट टू डू, चॉपर को हम ऑफ करना चाह रहे हैं, ओके चॉपर को हम ऑफ करना चाह रहे हैं बेटा, इट इज अवर नीड, सो आइदर वी हैव टू अप्लाई फोर्स कम्यूटेशन और वी हैव टू विदड्रॉ अवर गेट पल्स, ओके और लाइक कंट्रोलिंग पल्स वी कैन से, एंड ड्यू टू चॉपर ऑफ बेटा इंडक्टर विल चेंज इट्स ओन वोल्टेज पोलैरिटी, सो डायोड इज ऑन, so beta diode is on, okay why diode will on, see here agar beta isi circuit mein baat kare in the range of 0 to alpha t to inductor beta charge hua tha and inductor polarity will be something like this, ab hum kya kar rahe hain, ab hum beta chopper ko hi off kar rahe hain aur agar chopper ko off karenge to definitely beta inductor apni hi voltage polarity change karke kisko on kar lega beta diode ko, so now here inductor voltage polarity is going to be change, inductor voltage polarity beta is going to be change minus plus, now see due to this thing beta anode cathode voltage will be higher like this, so diode is on because beta VAK of diode is greater than 0, so diode is on, why VAK of diode is greater than 0 because inductor is going to be change its own voltage polarity, its own voltage polarity
इतनी बात क्लियर है टू एवरीवन। अब जरा यहां पे इक्वेशन को हम फॉलो करते हैं और देखते हैं क्या होगा बेटा। सी एट, बहुत ध्यान सुनना बेटा, एट टी इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस इंडक्टर विल चेंज, इंडक्टर विल चेंज इट्स ओन वोल्टेज पोलैरिटी, इट्स ओन बेटा वोल्टेज पोलैरिटी, वोल्टेज पोलैरिटी, सो बेटा इंडक्टर विल बिहेव, इंडक्टर विल बिहेव एज ए सोर्स, इंडक्टर विल बिहेव एज ए सोर्स, एज ए एंड डायोड विल कंडक्ट। नाउ बेटा जी वी वांट टू राइट बाय केकेओ, केवीएल केसीएल एंड ओम्स लॉ इक्वेशन, क्या क्या लिख सकते हैं एक बार सभी लोग बोलेंगे बेटा क्या क्या लिख सकते हैं। तो आते हैं बेटा इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे बेटा चॉपर ऑफ है तो वी कैन राइट आई एस इज इक्वल टू आई ऑफ चॉपर करेंट इज इक्वल टू जीरो एम्पियर, भाई दोनों करेंट जीरो है। नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट वीसीएच, चॉपर वोल्टेज वीसीएच क्या हो जाएगा बेटा वी एस, एंड डायोड वोल्टेज वी डी विल बी जीरो वोल्ट, एंड डायोड वोल्टेज बेटा वी डी विल बी जीरो वोल्ट, आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर, डन। आगे बढ़े बेटा, इतना हो गया। नाउ अगर हम इस लूप में केवीएल लगाएं बेटा तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर, बहुत ध्यान सुनिए, माइनस वीएल प्लस वीसी बिकॉज़ कैपेसिटर विल नॉट चेंज इट्स ओन वोल्टेज पोलैरिटी, ओके। सो नाउ बेटा वीएल इज इक्वल टू वीसीटी इज इक्वल टू बेटा वी नॉट टी, भाई सब बराबर है, वीसी और वी नॉट वैसे ही इक्वल थे बिकॉज बेटा पैरेलल सर्किट, और अब वीएलटी इन दोनों के बराबर हो गया, वीएलटी इन दोनों के बराबर। अगला पॉइंट बेटा, स्टिल योर इंडक्टर करंट इज आईसी प्लस आई नॉट, तो ए भी लिख देते हैं बेटा, स्टिल अवर इंडक्टर करंट आईएलटी इज इक्वल टू आईडीटी, डायोड करंट इज इक्वल टू बेटा आईसीटी प्लस आई नॉट, या तो हम यार ऐसे लिख दें या बेटा जी हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और इज इक्वल टू आईएलटी, और इक्वल टू बेटा डेल आईएल प्लस आईएल एवरेज, कुछ भी चाहे बोले। So this equation is again important, and this equation is also important in this case, second case, when diode is on and chopper is off. अब देखो बेटा सारी करंट आ गए, सारे वोल्टेजेस आ गए, सब कुछ लिख लिया, अब हम एनालिसिस कर डालते हैं इंडक्टर करंट की। फिर से इस केस में बेटा इंडक्टर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, सो इंडक्टर करंट विल डिके इन द रेंज ऑफ बेटा will decay in the range of beta alpha t to t, alpha t to t mein ye kya hoga beta t hoga, okay, so this is the inductor current with respect to time only for this period in which diode is on. To dekho yahan pe hum likh sakte hain beta vl at is equal to again l dil by dt, frequency is high so again beta we can write del il by del t. Now beta this is the slope, so del il by del t in this case will be less than zero, negative slope, okay. Now what will happen in this case beta, so in this case inductor will work as a source, okay, so inductor beta, inductor will deliver power, okay, kisko isko aise likh dete hain beta, inductor will deliver power to rest circuit of the element, sorry, to rest of the circuit, so here beta we can say load, so inductor will work as a source for the load. Till now, I think all the points are clear. बोलते रहे बेटा, till now, I think all the points are clear. Done, hopefully. अब हम बात करते हैं बेटा इतना discussion के बाद, because case one and case two are absolutely completed. इससे ज़्यादा. लेकिन अभी analysis इतनी भयंकर है कि like कोई भी question बेटा अभी हमसे नहीं हो सकता. Easy से easy question. So now we require further analysis. But before that बेटा अगर आप चाहो तो कुछ भी फॉर्म ड्रॉ कर सकते हो, ओके? जैसे मैं पहला पॉइंट रखता हूं आपके सामने, हेडिंग इंडक्टर वोल्टेज, क्या रखता हूं बेटा, इंडक्टर वोल्टेज, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इंडक्टर वोल्टेज शेप, इंडक्टर वोल्टेज शेप कैसी बनेगी ऑब्जर्वेशन करना, इंडक्टर वोल्टेज शेप हम लोग दो केस लेते हैं जो डिस्कस किए हैं बेटा, एक केस व्हेन चॉपर ऑन, सेकेंड केस व्हेन डायोड ऑन। तो यहां पर अल्फा टी में चॉपर ऑन है और अल्फा टी से बेटा टी में डायोड ऑन है, डायोड ऑन है, अल्फा टी से टी में डायोड ऑन। जब चॉपर ऑन है तो बेटा आपने ध्यान दिया हो वी एस आया था वी नॉट टी प्लस बेटा वी एल टी, और जब डायोड ऑन है तो वी एल टी आया था बेटा वी नॉट टी, वी नॉट टी,
इतना क्लियर है, एक एक पॉइंट। नाउ बेटा अगर हम इस केस को फॉलो करें और हम इंडक्टर करंट और वोल्टेज को देखें तो कैसा बनेगा, ऑब्जर्वेशन अच्छी रखना है? देखो बेटा पहले केस में Vs इक्वल टू दिस मच, तो क्या हम इसको ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते एंड देन बेटा नेगेटिव ड्रॉ नहीं कर सकते? आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो पहले मुझे एक जवाब दीजिए इंडक्टर करंट क्या है। आपने कहा सर लीनियर फंक्शन रैंप, ओके तो इंडक्टर करंट जरा ड्रॉ करते हैं। इंडक्टर करंट बेटा विल लुक लाइक समथिंग दिस, पिंक कलर इज द इंडक्टर करंट शेप, ओके। नाउ इफ द इंडक्टर करंट शेप इज बेटा रैंप, देन इंडक्टर वोल्टेज VL इक्वल टू LdIdt विल बी स्टेप एंड स्टेप प्लस स्टेप विल बी स्टेप, ये ऑब्वियसली स्टेप बेटा, ओके। सो नाउ सी व्हाट विल बी द VL, सी हियर बेटा, वी नो दैट, बहुत ध्यान से सुनिए, वी नो दैट बेटा, वी नो हियर इंडक्टर करंट ILt इज बेटा रैंप फंक्शन, क्या है रैंप फंक्शन, सो देयरफॉर बेटा VLt विल बी स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन। व्हाई बेटा, बिकॉज़ VL इज इक्वल टू LdIldt, ड्यू टू दिस रीजन द डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप फंक्शन विल बी स्टेप। नाउ बेटा V नॉट, देखो VL और V नॉट इज कैपेसिटर वोल्टेज, सो लगभग आप टेंटेटिवली मान सकते हैं रिपल को हटा के, पहले तो VL को समझो, VL विल बी कंफर्म रैंप, ओके VL विल बी कंफर्म रैंप, तो सॉरी VL विल बी कंफर्म बेटा स्टेप, तो अगर VL स्टेप होगा ऐसे सो VL स्टेप होगा तो बेटा VL फर्स्ट केस में क्या होगा VS माइनस V नॉट और सेकंड केस में क्या होगा VL इक्वल टू V नॉट, तो क्या एब्सोल्यूट स्टेप होगा VL? नहीं, थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटी आपका VL ये बन गया। अब बेटा VL ये बना है तो इस VL में कौन क्या वैल्यू होगी उसको भी समझ लेते हैं। तो पहले केस में बेटा व्हेन, बहुत ध्यान से, ये जीरो, ये अल्फा टी, ये टी बेटा एंड दिस इज सम टी, अच्छा येलो कलर फंक्शन क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट VLt और पिंक कलर फंक्शन है बेटा ILt, इंडक्टर करंट इंडक्टर वोल्टेज, ओके। नाउ बेटा व्हाट विल बी दिस वैल्यू, याद करो Vs माइनस V नॉट लिखे इतना भी, और ये वैल्यू बेटा क्या है इंडक्टर वोल्टेज पोलैरिटी विल चेंज, सो माइनस V नॉट, दिस इज द इंडक्टर वोल्टेज शेप, दिस इज द इंडक्टर वोल्टेज शेप, तो इंडक्टर वोल्टेज भी आ गया, इंडक्टर करंट भी आ गई। नाउ बेटा वी वांट टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एट दिस मोमेंट, दिस इज नथिंग बट एवरेज आउटपुट वोल्टेज, क्या डिस्कस करने जा रहे बेटा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, देखो हमें यह पता है बेटा फ्रॉम वोल्ट बैलेंस, सॉरी वोल्ट सेकंड बैलेंस क्राइटेरिया, तो ऐसे लिखते हैं बेटा फ्रॉम वोल्ट सेकंड बैलेंस्ड क्राइटेरिया फॉर बेटा इंडक्टर व्हाट वी कैन राइट, एरिया ए वन इज इक्वल टू बेटा एरिया ए वन इक्वल टू एरिया ए टू। नाउ कैसे लिखें बेटा एरिया ए वन, रेक्टेंगुलर, सो वी एस माइनस वी नॉट इंटू अल्फा टी, ध्यान देना एरिया ए वन ए टू का मतलब क्या है, अगर आप नहीं प्रीवियस लेक्चर ज्वाइन किए हैं तो इसको देखिए, एरिया ए वन ए टू का मतलब है देयरफॉर बेटा VL एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टर वोल्टेज विल बी जीरो। अच्छा अगर एवरेज वैल्यू जीरो है और इसी को बैलेंस करके ये निकाला है तो VS और V नॉट सब क्या होने चाहिए, प्योर डीसी। इसका मतलब बेटा इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके ऐसे भी ले सकते हैं, VS माइनस V नॉट एवरेज इनटू बेटा अल्फा टी इज इक्वल टू V नॉट एवरेज इनटू बेटा 1 माइनस अल्फा टी। नाउ बेटा टी और टी कैंसिल, ध्यान देना टी एंड टी कैंसिल, सो सी प्रॉपर्ली, so Vs into alpha is equal to Vs into alpha is equal to beta V not into alpha plus V not या V not average लिख देते हैं बेटा, V not average into alpha plus beta this one V not average minus beta V not average into alpha, hopefully this thing is clear. Now beta V not average plus alpha and V not average minus alpha will cancel, तो finally V not average क्या आ गया, V not average is nothing but alpha into Vs.
is really very interesting point. Okay. Okay. एक बात समझिए गजब की बेटा, चाहे RL लोड हो, चाहे RLE लोड हो, if current is continuous, और चाहे बेटा फिल्टर के साथ हो, इंडक्टर करंट इज कंटीन्यूअस, इन एवरी केस बेटा V not average is nothing but alpha into Vs. V not average is nothing but alpha into Vs. और अगर ये सत्य है तो ये बात भी तो सत्य होगी. So therefore बेटा what we can write, therefore my dear friend we can write this thing also. So therefore V not just give me a few seconds. Therefore बेटा V not average divided by Vs is equal to alpha is equal to beta. Is average by I not average is still true beta. So this equation is really very very important in the case of filter when IL is continuous. Okay. इसके बाद की कहानी बेटा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड. अब एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, थोड़े ही दिनों में बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं अड्डा पे, लेकिन उससे पहले HPCL का बैच रन कर रहा है बेटा. HPCL के बैच के साथ गेट के बैचेस रन कर रहे हैं जिसमें मैं नेटवर्क ले रहा हूं इस समय. इवनिंग बैच है बेटा 6 to 9 जिसमें मैं नेटवर्क ले रहा हूं. ओके, तो अगर मैं रनिंग सब्जेक्ट की बात करूं बहुत ध्यान से, ओके, अगर मैं रनिंग सब्जेक्ट की बात करूं बेटा, ओके, तो अगर मैं रनिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो बेटा गेट में अपने पास 3 सब्जेक्ट रन हो रहे हैं. ओके, कंट्रोल सिस्टम एंड डिजिटल एंड डिजिटल बेटा एंड नेटवर्क. ओके, डिजिटल बाय रेनू सर, ओके रेनू सर, एंड बाय डीसी सर, एंड दिस इज बाय मी. ओके, चलिए टाइमिंग अगर मैं बात करूं बेटा, डिजिटल इज अबाउट टू क्लोज बट नेटवर्क अभी स्टार्ट हुआ है. आज सेकंड चैप्टर का पहला सेशन था जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीसी स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस. ओके, ओके बेटा मोहित, मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ. बिल्कुल मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ. तो एक मेरा सब्जेक्ट चल रहा है बेटा जिसमें आज ही फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था डीसी ट्रांजिएंट का, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट की. बहुत ज्यादा अभी नहीं हुआ है. ओके, ये चल रहा है. दूसरा बेटा अगर मैं बात करूं HPCL का बैच चल रहा है, HPCL का बैच चल रहा है जिसकी आज सेकंड क्लास थी. ओके, नाउ बेटा आप कोई भी सब्सक्रिप्शन चाह रहे हो या तो गेट का, ओके, या फिर बेटा HPCL का कोई भी सब्सक्रिप्शन चाह रहे हैं, then for this अगर हम लोग बात करें बेटा 1 year प्रोग्राम की तो इट इज अराउंड बेटा 7500, इट इज अराउंड बेटा 7500, और 2 years की बात करूं मैं तो इट इज अराउंड बेटा 12k. ठीक है, यहीं पे HPCL की बात करूं बेटा, so it is the 3 month course and the fee is really very economical, it is approximate बेटा 2500. ओके, and for maximum discount बेटा और my guidance you can use my code, so my code is बेटा Y503. ओके, this is my number, so you can text me or WhatsApp me, okay, so that I can help you regarding anything. Clear? तो चलिए बेटा, तो मैं इसकी planning करता हूँ बेटा, कुछ session का timing change करता हूँ, okay, जैसा भी होता है. ठीक है मोहित, thank you बेटा, everyone, we will meet tomorrow, okay, timing we will see, thank you, bye bye, take care.